बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एड्स, अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये इसको आपने कैसे समझना है एड्स को, इसका पहले तो आपने एब्रीवेशन देखनी है या स्टैंड एड्स का स्टैंड फॉर, ये पहले आपने अगर पढ़ लें, इसको समझ लें, तो फिर आपको सारे के सारा ये जो है ना कंसेप्ट भी समझ आएगा। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, यानी ये एड्स का मतलब क्या है, या एड्स का मुखफ्फफ क्या है, या एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड और आई से इम्यून और डी से डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स है, ये होता किस वजह से है, ये होता है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस की वजह से। किस वायरस की वजह से होता है, इसको पूरा नाम लिखते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जिस तरह डेंगी है वायरल डिजीज है, कोरोना है वायरल डिजीज है, ठीक है, मीजल्स हो गए, बम्प्स हो गए, ठीक है, ये वायरल डिजीज है। तो एड्स भी क्या है, वायरस की वजह से होता है। एड्स किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से, वी जो है ना ये वायरस की वजह से होता है। अब आपने इसको सारे को देख लेना है, मैं सबको समझाता हूँ किस वजह से होता है, क्यों होता है, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है भाई, यानी सेक्चुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल एक्ट, यानी ये एक ऐसा डिजीज है, एक तो सेक्चुअली कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने इसका जो मेन जो है ना एड्स का जो वजह है, किस वजह से होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉडी फ्लूड्स की वजह से, यानी जो बॉडी के फ्लूड्स की ट्रांसमिशन होती है ना, उसकी वजह से ये एड्स होता है, या उसकी वजह से वायरस फैलता है। ये वायरस कोई हवा के थ्रू नहीं फैलेगा, ठीक है, ये वायरस किसकी वजह से फैलेगा, जो बॉडी फ्लूड ट्रांसमिट होंगे। अब बॉडी फ्लूड कौन कौन से हैं, जिसमें ब्लड आ सकता है, सीमन आ सकता है, ब्लड और सीमन के ट्रांसमिशन की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो ये जो है एड्स हो सकता है। तो एड्स की पहले हमने क्या पढ़ा, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये वर्ल्ड चैलेंजिंग प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वायरस करता क्या है, अब ये देखें एड्स का क्या मतलब, एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाता है, वो काम करना ही छोड़ देता है, उसका काम का तरीका जो है उसको भूल ही जाता है, ये आप समझ लें। तो वायरस क्या चीज है, डिस्ट्रॉय कर रहा है किसको, व्हाइट ब्लड सेल को। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो ही असल में हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो रेड ब्लड सेल जो है ना, हमारी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह, और जो व्हाइट ब्लड सेल है वो आप कहते हैं ये इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम बना रहे हैं, या इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो वायरस क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर रहा है व्हाइट ब्लड सेल को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है उसके अंदर जो टोटली जो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये फैटल डिजीज है, यानी जानलेवा है, बोलिक है, ठीक है, इसमें बंदे का बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और स्प्रेड मैंने आपको पहले भी बताया किस वजह से होता है, बॉडी फ्लूड, यानी बॉडी फ्लूड में अगर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो या सीमन की ट्रांसमिशन हो, ठीक है। तो किस तरह हो सकता है, जिसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, जिस तरह अभी आप बार्बर के पास जाते हैं या जाम के पास जाते हैं या नाई कह लें जो भी, तो उसमें वो जो ब्लेड्स यूज करते हैं, तो वो बार बार अगर एक ही पर्सन पे, एक पर्सन को यूज करें फिर दूसरे पे यूज करें, तो वो उसमें अगर ब्लड लग जाता है, ठीक है, और ब्लड में अगर खुदा ना खास्ता वायरस हो, तो वो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये जो ब्लड के थ्रू जो हो सकता है, जिसमें सिरिंजेस यूज की जाती है, ठीक है, इनको भी आपने बिल्कुल डिस्पोजेबल एक दफा यूज कर कि उनको क्या कर देना है, उनको डिस्पोज कर देना है, खत्म कर देना है, नेक्स्ट पर्सन को यूज नहीं करनी, अपने 2 रुपए के लिए बचाने के लिए, 5 रुपए के लिए अगले की जान को खतरे में मत डालें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, या कोई सर्जरी है, मेजर है या माइनर है, उसमें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उसमें ऐसा ब्लड हो जो कि बिल्कुल HIV वायरस से, यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस से पाक हो, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के वायरल डिजीजेस से ये साफ होना चाहिए, कोई उसके अंदर हेल्दी पर्सन से आप ले लेने हैं ब्लड, ठीक है। वो चेक करते हैं पहले कोई इसको बीमारी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है, जो एड्स है, ठीक है, ये तकरीबन 70,000 to 80,000 पर्सन जो है ना इनके अंदर ये पाया जा रहा है, और 0.1% जो एडल्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो भी एड्स से इफेक्ट हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो है ना, ओहो, इसको, अच्छा
रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स को कंट्रोल कैसे करना है. तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनएससीपी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एनजीओज काम कर रहे हैं. तो पाकिस्तान की जो फेडरल मिनिस्ट्री है, ठीक है, ऑफ हेल्थ एस्टेब्लिश इन 1987, ठीक है, और इस प्रोग्राम के मुताबिक जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस लानी है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन यानी एचआईवी की ट्रांसमिशन से कैसे बचा जा सके, उससे बचाव कैसे किया जा सके. नंबर वन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज हैं उनको रिड्यूस किया जाए. तो पाकिस्तान के अंदर ये बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टिल लो है, लेकिन ये रिस्क ऑफ एपिडेमिक, इसके फैलाव, एपिडेमिक कहते हैं मतलब ये फूटना वबा का, जिस तरह होता है, जिस तरह पेंडेमिक होता है ना, वर्ल्ड वाइड होती है, और एपिडेमिक होती है कि जो एक एरिया के अंदर फैलना शुरू हो जाए. तो इसमें क्या हो सकता है, किस वजह से ये एपिडेमिक है, एड्स, एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर इन्फेक्टेड ब्लड का एक्सपोजर किया जाए या उसका ट्रांसमिशन किया जाए या ब्लड प्रोडक्ट्स का किया जाए, ठीक है, सेक्चुअल कॉन्टेक्ट हो गए, ठीक है, या फिर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर, ठीक है, कुछ लोग जो ड्रग एडिक्टर होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग इंजेक्ट करते हैं, और अगर उस सिरिंज के अंदर जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर एचआईवी का वायरस चला गया, तो वो एक, वो आपको पता है कि वो जो ड्रग एडिक्टर होते हैं पहले एक यूज करेगा, फिर दूसरा भी यूज करेगा, तीसरा भी यूज करेगा, वो तो ऐसे टोलियां बना के बैठे होते हैं जैसे पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है ना ये यूज करते रहेंगे, और उसकी वजह से एचआईवी वायरस जो है ना बहुत तेजी से क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, अगर उस सिरिंज के अंदर वायरस आ जाएगा. अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ये बता रहा है फॉर इंप्रूव प्रिवेंशन और जर्नल, अस्सलाम वालेकुम सर, जर्नल जो पब्लिक अवेयरनेस है, ठीक है, वो, वालेकुम सलाम, ठीक है, जर्नल जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी हमने देनी है लोगों के अंदर, क्या चीज है कि चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, जो इनसे अवॉइड करना है, ठीक है, जो चीज आराम है उससे बचना है, ठीक है, और डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एचआईवी एंड एड्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन देनी है लोगों के अंदर, और बिहेवियर लोगों का या हेल्थ केयर वर्कर का चेंज करना है, ठीक है, एक किस्म की सुरंज इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, पहले ये होता था कि एक डॉक्टर है, ठीक है, जिस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च के साथ साथ चीजें आती हैं, ठीक है, अभी 15-20 साल पहले की बात है, ठीक है, तो एक ही सुरंज से वो बाद दफा 3-3, 4-4 पेशेंट निपटा लेते थे, ठीक है, आजकल भी जिस तरह जानवरों के अंदर इसी तरह ही हो रहा है, ठीक है, एक भैंस के लिए टीका लाया, ठीक है, वो रख देते हैं सुरंज, ठीक है, एक दिन भी टीका लगाया, दूसरे दिन भी लगाया, क्योंकि उनमें इस तरह की सच कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो ख्याल भी नहीं करते. अच्छा, नंबर ऑफ जो ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान इज करंटली एस्टिमेटेड अबाउट 500,000, और उसमें से 60,000 जो है वो इंजेक्ट ड्रग्स करते हैं, यानी वो इंजेक्शन के थ्रू जो है ना ड्रग्स को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं. और लेटेस्ट जो है ना डाटा जो वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, 54 जो एनजीओज हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर एचआईवी एंड एड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, 54 जो है ना वो हमें अवेयरनेस दे रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और पर्सन लिविंग फॉर द केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सन लिविंग विद एचआईवी, ठीक है, और ये एनजीओ जो है एड के मुतलिक एजुकेशन दे रही हैं, इसका रिस्क के बारे में बता रही हैं, इससे कैसे बचना है, ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल रही हैं थ्रू डिफरेंट एड्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, और एड्स कहा जाता है अगर खुदा न खास किसी को हो जाता है तो फिर इसके इलाज नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन ही है, ठीक है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना है, डिफरेंट जो सेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनसे बचना है, ठीक है, और एनजीओज आर वेरी बिजी इन एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एक्टिविटीज, इट इज बिलीव दैट दे आर रीचिंग लेस देन 5% ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है, ये 5% क्या होता जा रहा है, जो इसमें कम होता जा रहा है, क्योंकि जब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाई जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा एक आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है, और जिसका नाम क्या था, एड्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये पेपर के अंदर इसमें से ज्यादातर जो है ना छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं, ठीक है, कि एड्स में क्या होता है, तो उसमें आपने बताना है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें यानी डिस्ट्रॉय द वाइट ब्लड सेल, ऐसा पर्सन जिसको एड्स हो जाता है उसका जो टोटली कोलैप्स हो जाता है, क्या चीज जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, उसमें अगर वो छोटी मोटी बीमारी भी उसको लगती है वो उसी बीमारी के अंदर जो है ना फैटल यानी उसके लिए जानलेवा हो सकती है या मौलिक हो सकती है. तो ये हमारा टॉपिक था आज का, लास्ट टॉपिक था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का. अगर आपको हमारा जो है ना ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है,
और आगे इस वीडियो को शेयर भी करें, और जो बच्चे सुन रहे हैं मेहरबानी करके इसको देख भी लिया करें, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।